कराची महाशाह केस में बड़ा इंकशाफ। डॉक्टर महा से खुदकुशी से पहले ज्यादती की गई, तब पीछे ऑफिसर की अदालत में रिपोर्ट। मुलजमान पर अदम तामन का इल्जाम, अदालत ने मुलजमान के DNA कराने की दरखास्त दे दी। पुलिस को हतमी चलान जमा कराने के लिए 5 जनवरी तक मोहलत दी गई। डॉक्टर महा कराची में अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई थी, सर पर गोली लगी। मर्दमशुमारी पर तहफ़ुज़ात रखने वाले MQM पाकिस्तान ने सड़कों पर आने का अंदिया दे दिया। हुकूमत ने कोई वादा पूरा नहीं किया, सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध काबीना ने भी वफाकी काबीना का फैसला मुस्तरद कर दिया। मर्दमशुमारी के नतीजे CCI में ले जाने की राह दिखा दी। मौलाना फजल रहमान फसाद की असल जड़ है, नून लीग को आगे लगाया हुआ है। अगर कोई इस्लामाबाद आ रहा है तो इस्तकबाल के लिए तैयार है। शेख रशीद की सेनेट इलेक्शन से पहले अपोजिशन के इस्तीफे न आने की पेशेनगोई, कहा पीपल्स पार्टी बेहतर खेल रही है। जिद्दाहना ने MQM के तहफुजात दूर कराने की यकीन दहानी करवा दी। हुकूमती इत्तेहादी फंक्शनल लीग और नून लीग में कुर्बतें। शहबाज शरीफ से मोहम्मद दुरानी की कोट लखपत जेल लाहौर में मुलाकात। सियासी सूरतेहाल पर गौर। मोहम्मद अली दुरानी ने शहबाज शरीफ को पीर पगाड़ा का अहम पैगाम पहुंचाया। सियासी सूरतेहाल पर आसफ अली जरदारी का मौलाना फजल रहमान को फोन। हुकूमत मुखालफ तहरीक में सुलह मशवरा। PDM सरबराह को शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसरी पर गढ़ी खुदाबख्श जलसे में शिरकत की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सियासी सूरतेहाल पर एक बार फिर मुशावरत का फैसला। पार्टी रहनुमाओं और तर्जमानों का इजलास आज तलब कर लिया। PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक समेत सियासी सूरतेहाल पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने PIA की बहाली प्लान में पेशरफ्त पर भी आज इजलास बुला लिया। मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा। एहतसाब अदालत ने जायदादें कर्क करने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी प्लाट्स के केस का तहरीरी फैसला जारी। नवाज शरीफ की अदालत पेश न होने पर जायदादों को कर्क करने का हुक्म दिया गया। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम बरतानिया को डीपोर्ट करने का कहा है। मशीर दाहना शहजाद अकबर की मीडिया गुफ्तगू। शहबाज गिल का कहना है इमरान खान ने सब चोरों को गली गली रोने पर मजबूर कर दिया।